बताएगा इसके बारे में, अच्छा से कौन बताएगा? ये छात्रा की निर्मम हत्या, अर्धनग्न हाल में खेत में मिला शव, चेहरे पर तेज हथियार से काटने के मिले निशान, एक दिन पहले से घर से थी लापता, दुष्कर्म की आशंका, नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपित ने 6 लाख कर ली थी ठगी, बीए की थी छात्रा, मुरा हरलोचन पंचायत की घटना, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना इलाके के एक गांव में बीए की छात्रा की धारदार हथियार से निर्मम तरीके से हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। अर्धनग्न स्थिति में डेड बॉडी मिला। वह बुधवार शाम से घर से गायब थी। उसके शरीर पर कई जख्म के निशान थे। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ जुट गई। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। हत्या का आरोप मृतका की मां की चचेरी बहन के बेटे मृत्युंजय पर लगा है। हत्या आरोपी भी छात्रा के गांव का ही रहने वाला है। सूचना मिलते ही सकरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। परिजनों का कहना है कि युवती के रिश्ते के भाई ने नौकरी के नाम पर 6 लाख लिया था। पैसे वापसी की मांग करने पर वह आक्रोशित हो गया था। परिजनों को शंका है कि उसी रंजिश में उसने युवती की हत्या कर दी है। पुलिस ने युवती का मोबाइल जब्त कर लिया है। परिजनों ने बताया कि बथान से कुछ दूरी पर जय कुमार सिंह का खेत है, जिसमें बैंगन लगा हुआ है। बारिश होने के बाद खेत मालिक खाद छिड़कने गया था, इसी दौरान शव पर नज़र पड़ी। चलाने के बाद परिजन खेत की तरफ दौड़े, जहां शव की पहचान की गई। जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उसका मोबाइल साइलेंट मोड में था। मृतका छात्रा 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उससे छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहन नौकरी के इंतज़ार में शादी नहीं कर रही थी। वह कहती थी कि उसका कोई भाई नहीं है। वह नौकरी कर माँ बाप व दोनों बहनों को सहारा बनेगी। पिता को कृषि कार्य में हाथ भी बटाती थी। छात्रा की मां ने बताया कि आरोपी रेलवे में टिकट क्लर्क की नौकरी दिलाने के लिए 6 लाख मांगा था। 6 कट्ठा ज़मीन बेचकर उसे 6 लाख रुपया दिया था। 2 साल बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो हम लोग उस पर पैसे वापस करने का दबाव बना रहे थे। 4 दिन पहले रुपये को लेकर नोकझोंक भी हुई थी। बुधवार की शाम आरोपित बेटी को अकेली देख कर वह ले गया था। रात में वह घर नहीं लौटी। दिन भर खोजबीन की, कुछ पता नहीं चला। गुरुवार शाम में खेत में शव मिला। परिजनों की को आशंका है रुपया वापस मांगने के आक्रोश में रिश्ते के भाई ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। वहीं सकरा थाना अध्यक्ष राजू कुमार पाल ने बताया कि युवती की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया है। परिजन पैसे के लेन देन में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका की बात बता रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैसे हुआ ये घटना? लड़की, हमको लड़का नहीं है। अच्छा, ठीक। 3 लड़की है। वो बड़ी वाली लड़की बहुत मतलब होशियार थी, तरह का तो मैंने बात किसको से। हाँ हाँ, कैसे कैसे क्या करना है से ओकरा कहलको कि से नौकरी के नौकरी अथी कागज पत्र कहलक नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। तब बेटी हमारे कल कितना पढ़ा लिखा कर घर में रखबे, तोरा के देखतब से हमरा नौकरी करा दे खेत बेच कर 6 कट्ठा हम स्टोरी कह कर आ ओकरा हम पैसा दिलियै। आ वह पैसा ले लेला कि नौकरी पकड़ बलुआ घूस दे छे, घूस दे छे। वह पैसा लेकर हमारे लगता लड़का के चोरा का कर दिलक आ घरे हम रह। कल कितने बजे से गायब है लड़की? अथी कै बजे? 7 बजे भैंसी दूक हमरा दे दिलक। आ एगो बेटी ननी पढ़ावे चल गए आ ऊ जानू कहू नुकाल रहे। आ लड़का हमर घरे आए तो गोर थोकर चप्पल पहनत रह, लड़का हमर ओनी से खींच कर ले गए। आ कहाँ से न कहाँ से काट कर पछोड़ा में दूसरा के खेत में धगे, दूसरा लाई हाथ छीटे। आ रात आ कौन ओकरे कॉले में है? अच्छा, घटना 6 लाख रुपया मम्मी दी हुई थी नौकरी के लिए दीदी के। अच्छा, तो दीदी बोली कि जे 1 साल में हो जाएगा नौकरी। अच्छा, दीजिए पाई हमको। अच्छा, किसको दिए हुआ था? मम्मी दी दीदी के। अच्छा, दीदी दी मृत्युंजय भारद्वाज के 6 लाख रुपया। कहाँ के रहने वाला है वो? मुरा के, मुरा बगल का है। अच्छा, ठीक, आगे। दीदी बोली कि मेरा पैसा दीजिए, 2 साल हो गया अभी तक नौकरी का अथी नहीं आया है। तो बस वो है सो मार दिए बुला करके पीछे।
और कल कितने बजे बुलाया था वो? 7 बजे के करीब में। क्या लग रहा है उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी हुआ है क्या? मेरी बहन के साथ? हाँ, बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। दुष्कर्म? बोटी बोटी कर कटले है पूरे बूटी बूटी। क्या नाम था उसकी? निधि कुमारी। कितने साल के थे? 25 साल के। किस क्लास में पढ़ रही थी? पार्ट थ्री बीए फाइनल कर ली थी जी। और ये मतलब नौकरी के नाम पर पैसा लिया था? हाँ, पैसा लिया था कि एक साल में तुमको नौकरी करवा देंगे हम। कितना पैसा लिया था? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया खेत बेच कर मम्मी हमारे 6 लाख रुपया दी थी। और हम लोग आवाज उठाते थे ना, तो हम लोग करवाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देते थे। अच्छा, वो मुड़ा का रहने वाला है, करता क्या है? सब लड़की को ढूंढता है कि क्या करे, सबका इस्तेमाल करता है। उसका बाप का क्या नाम है? डॉक्टर राम सागर मेहता का लड़का है जी। अपने बीवी बच्चे के होते हुए भी दूसरे पर नजर डालता है और सब लड़की से पैसा अटता है। सभी से पैसा अटता है, उसका काम है यही। लगभग कितने लड़कियों के साथ अब तक ये शारीरिक संबंध बना? 5-6 लड़की के साथ। आपका क्या नाम हुआ? सीमा कुमारी। आपको कौन लगती है? मेरी बड़ी बहन है। मामला है कि लड़की कल शाम से घर से 7 बजे लगभग गायब थी और आज शाम में 4 बजे पता चला है कि कोई बैगन का खेत है घर से लगभग 500 मीटर पीछे, वहां लड़की का लाश मिला है जो कि बहुत ही बुरी तरह से उसको किसी ने मारकर फेंक दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके साथ कोई सामूहिक बलात्कार भी किया है और इसमें प्रशासन लोग भी आके देख रहे हैं इस चीज को, अपने तरह से जांच कर रहे हैं। आखिर कारण क्या था? कारण इसका तो बहुत कुछ हो सकता है और आए दिन अभी तो बहुत सारे घटने हो रहे हैं जो कि अक्सर लड़का लड़की का हो या कोई भी मामला हो, तो प्रशासन जुटे हुए हैं, इस मामला जल्दी ही निपटारा किया जाएगा। देखने के बाद क्या प्रतीत हो रहा है? लग रहा है जैसे इसको मार के फेंका गया है, धारदार हथियार से मारा। कितने टुकड़ों में काटा गया है? काटा हुआ ना चेहरा, बुरी तरह से इसको धारदार हथियार से मार के उसको मतलब चेहरा जान पहचाना नहीं जाए और हाथ पैर पर भी प्रहार किया गया है। लड़की का क्या नाम हुआ? निधि कुमारी। पिता का क्या नाम है? धर्मेंद्र जी। कौन से पंचायत में रहने वाले? हरलोचनपुर। कितना नंबर वार्ड है? 9 नंबर। परिजन का कहना है जो 6 लाख रुपया हमने बेटी को नौकरी के नाम पर दिए थे मृत्युंजय भारद्वाज को, उन पर आरोप लग रहा है जिस तरह का घटना हुआ है और 7 बजे सुबह शाम में वो आसपास की नज़र में देखे थे, उसके बाद बेटी मेरी गायब हुई है। नहीं नहीं, इस चीज़ का मामला हम लोग के पास तो नहीं है अभी तक, किसी खबर नहीं हम लोग के पास। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रभात कुमार है और मुखिया प्रतिनिधि मामला है। मुखिया जी, मामला तो हमको कोई जानकारी नहीं है, मतलब प्लाट देखे हुए वहीं पर बैठे हुए थे, थाना से फोन आया कि ऐसे ऐसे आपके गांव में, हमको ऐसा कोई घटना नहीं है, हमको जानकारी नहीं है, तो नहीं से 112 पर फोन गया है, तो 112 पर तो फोन आप, हम फोन पर कॉल किए तो वो रामदयाल है, वो लड़की का चाचा, तो कहा जहाँ से हमारे बहन को काट दिया गया है और बैगन के खेत में पड़ा हुआ है, ऐसे कल शाम से गायब था, तो यही विशेष क्या है तो परिवार वाले ही लोग बताएंगे जो क्या है। शव को देखने के बाद आपको कैसा प्रतीत लगा? शव तो हम देखे नहीं है, उसका वीडियो देखे हैं कि निश्चित हत्या किया गया है बुरी तरह से और पगड़िया से काटा हुआ लगता है, ऐसे ऐसे पगड़िया से काटा गया। सिर्फ हत्या ही किया गया या दुष्कर्म का भी मामला सामने आ रहा है? तो इस सर आप जांच का विषय है इसको, तो कुछ लोगों का ना अर्ध नगन व्यवस्था में मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन इसको हम देखे नहीं है तो हम अपने स्तर से कैसे इसको कहे कि क्या मामला है। क्या परिचय? ये घटना को लेकर क्या आप निंदा करते हैं? बहुत बड़ा निंदा है, निंदनीय घटना है, अनर्थ हुआ है। क्या लग रहा है सकरा में आज दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सकरा क्या मुजफ्फरपुर में बढ़ रहा है? सकरे की बात तो नहीं है, पूरे मुजफ्फरपुर में ही बढ़ रहा है। सकरा में बराबर देखा जा रहा है और पूरे मुजफ्फरपुर जिले की बात हुई है। मुजफ्फरपुर में जिले की बात कीजिए तो बढ़ा जा रहा है, सकरा हर थाना इससे वंचित नहीं है, हर थाने में हो रहा है। इस तरह का शिकंजा कैसे कसा जाएगा अपराध को? अपराध को तो सरकारें ना कर सकते हैं, कि हम लोगों को बस के बात तो नहीं है, हम कर सकते हैं।
घटना किस जगह पे हुआ? घटना उसके घर के जस्ट सट्टे। कौन सी गांव, कहां पे? मूड़ा मोहनपुर में पड़ता है उनका घर भी, और मूड़ा मोहनपुर में ही घटना हुआ है। शव कहां मिला है? सब वही बैगन के खेत में। बैगन के खेत में क्या परिचय हुआ? अपना परिचय देंगे। परिचय, मेरा नाम अमीरी राय, पूर्व मुखिया, हरलोचनपुर। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8100222953।